प्रेमी भूत की सच्ची कहानी आज आप लोगों को इस वीडियो में पता चलेगी। नमस्कार दोस्तों, ब्लडी टैक्स के आज के बहुत ही ज्यादा खौफनाक से बिल्कुल डिफरेंट से वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि जैसा आप लोगों ने सुना, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे एक ऐसे भूत की कहानी जो कि प्रेमी स्वभाव का था। प्रेमी स्वभाव का हो या फिर एक लड़की को देखने की वजह से उसके मन में एक ऐसा प्यार जाग गया कह लो, जिस कहानी को सुन के आप लोग क्या ही कहेंगे, क्या ही समझेंगे। डरे या फिर इमोशनल हो या फिर रोमांटिक फील करें, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, कहानी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जाएगी समय के साथ साथ। दरअसल ये घटना है आज से 200 साल पहले की। राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक बनिया परिवार रहा करता था। इस परिवार में एक सबसे बड़ा बेटा था, जिस बेटे का नाम था चंदन। चंदन के पिताजी जो थे ना, वो थोड़े लालची स्वभाव के थे। जब से उनका बेटा पैदा हुआ था, तब से वो यही सपना देखते थे कि मेरा बेटा जल्दी जल्दी बड़ा हो तो मैं अपने बेटे को विदेश भेजूं, वहां पे उससे कारोबार करवाऊं और ढेर सारे पैसे कमवाऊं, ताकि वो पैसे लेकर वापस अपने गांव पहुंचे तो अपने परिवार की तरक्की में लगाए। बस इसी उम्मीद के साथ उन्होंने अपने बेटे चंदन को बड़ा किया था। चंदन का स्वभाव भी वैसे ही हो गया था भाई, वो भी दिनों रात पैसे 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 खाते। अब क्या, इनका जो परिवार था ये गांव का सबसे अमीर परिवार था, तो भी ऐसी हरकत पैसों को लेके। हाँ, मतलब गांव में राजा जी थे एक, जो राजा जी सबसे अमीर थे। राजा जी को हटा दो तो ये परिवार सबसे ज्यादा बड़ा परिवार था। सभी लोग इनको अन्नदाता अन्नदाता कहते थे, मतलब इतनी इनकी पहुंच थी, इतना इनका नाम था पूरे गांव में। अब चंदन जैसे ही बड़ा होता है, चंदन का शादी का दिन आता है। चंदन की शादी दूर गांव की एक लड़की से करवा दी जाती है, जिस लड़की का नाम था रज्जो। रज्जो बड़ी ही सीधी सादी सी, प्यारी सी, भोली सी लड़की थी, जो कि अपने घर के बाहर कभी जिंदगी में कदम नहीं रखी थी। आज पहली बार शादी हुई थी तो नए घर में जाने के बाद उसे बड़ा डिफरेंट सा फील आ रहा था। अब जैसे ही शादी की पहली रात उसकी आती है चंदन के घर में, तो चंदन उसके पास आता ही नहीं है बेड में। मतलब वो बोलती है आ जाइए सो जाइए, वो आने को तैयार ही नहीं। वो दुल्हन बने बैठी हुई है, वो आने को तैयार ही नहीं। अचानक से 2 मिनट बाद उठ के आता है और बोलता है कि शायद ये बात तुमको किसी ने बताया नहीं होगा, मैं कल विदेश जा रहा हूँ आने वाले 8 सालों के लिए। जैसे ही वो ये बात सुनती है, रज्जो ये बात सुनती है ना, जैसे जोर जोर से रोने लगती है कि अरे आज ही तो हमारी शादी हुई है और आप कल विदेश जाने की बात कर रहे हैं, वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, 8 सालों के लिए। बहुत बड़ी बात है। सामने से चंदन समझाता है कि मेरे लिए भी ये बड़ी बात है भाई, हमारा ये हमेशा से सपना था कि मैं बड़े होकर विदेश जाऊं और वो टाइम आ गया। वो कई बार सवाल करती है, अगर ऐसे ही करना था तो आपने शादी करके क्यों लाए, ये वो, फूट फूट कर रोती है, लेकिन उसे समझा बुझा के सुला देता है। सुबह 5 बजे अचानक से रज्जो की नींद खुलती है तो क्या पाती है, उसका पति चंदन विदेश के लिए निकल चुका है, आखिरी बार उससे मिला भी नहीं। उसको बड़ा दुख होता है। जैसे तैसे करके 3 दिन बीतते हैं, उसका पति जो है वो 8 सालों के लिए विदेश जा चुका था, लेकिन नहीं, 3 दिन बाद अचानक से अपने घर पे वापस से दस्तक दे देता है। उसके पिताजी देखकर बिल्कुल हैरान, बोले ये क्या बात हुई, तू भी मतलब नॉर्मल मर्दों जैसा हो गया, शादी हुई नहीं कि बीवी के पल्लू में बंधे रहना है तुझे भी। हमारा जो सपना था तुझे लेकर, तेरा जो सपना था बचपन का विदेश जाने का, वो पूरा हो रहा था, तो 3 दिन बाद वापस लौट गया, तो विदेश पहुंचा भी नहीं होगा, तुम्हारे राजस्थान से बाहर नहीं निकला होगा 3 दिन में तो, क्योंकि उस जमाने में कोई हेलीकॉप्टर एरोप्लेन थोड़ी हुआ करते थे ऐसे भाई, गाड़ियां भी साधन भी इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी। हाँ, तो चंदन जवाब में क्या बताता है, हाँ बाबूजी सही कहे आपने, मैं तो विदेश पहुंचा ही नहीं, दरअसल गाँव के थोड़ी ही आगे जब मैं राजस्थान की सीमा से बाहर निकल रहा था तो एक घना जंगल पड़ा जहाँ पे मुझे बहुत प्यास लगी। उस जंगल में ही बीचों बीच एक कुआं था जो कि बहुत पुराना था, किस्मत से उसमें पानी था। मैंने सोचा कि उस कुएं से बाल्टी डाल के पानी निकालता हूँ। मैं पानी निकालने के लिए जैसी गया तो क्या पाया, कुएं से थोड़ी ही दूरी पर एक साधु बाबा जैसा आदमी पड़ा हुआ है और प्यास से बहुत तड़प रहा है, बहुत। मैं जल्दी जल्दी गया, उस साधु बाबा को पानी निकाल के पहले दिया, मैंने पानी नहीं पिया, उस साधु बाबा को दिया, उसके बाद मैंने अपनी पोटरी से उसे खाना भी खिलाया, तो साधु बाबा बहुत खुश हो गया, उसने मुझे आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद क्या, वरदान कह लो। उसने वरदान में क्या दिया कि जब भी मैं रोज सुबह उठूंगा तो मेरे बिस्तर के सिराने के नीचे
मुझे 10 सोने की मुद्राएं मिलेगी। ये बात जैसे उसका बाप सुनता है जो कि लालची था भाई, वो तो पानी पानी गदगद हो जाता है, बोलता है सही बात है, बाहर जाना भी नहीं पड़ेगा विदेश बच्चे को, और रोज 10 मुद्राएं मिल रहे हैं और क्या चाहिए। बस उस दिन से वो अपने बेटे को पलकों में बिठाने लगता है। जब भी अगली सुबह होती उसके बेटे के सिराने के नीचे मानो सोने की मुद्राएं निकलती, वो अपने बाऊजी के खीसे में डालकर अपना सोने के लिए चले जाता। बाऊजी भी बड़े खुश थे अपने बेटे से, अभी तक जितना प्यार नहीं मिला था बचपन में, अब उसके बेटे को वो जवानी में उतना प्यार दे रहे थे, क्योंकि सोने की मुद्राएं जो बेटा दे रहा था उनके खीसे में रोज डाल रहा था भाई बिना बताए, तो बहुत खुश हो गए थे। ऐसे करते 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 4 साल बीत गए। इन 4 सालों में चंदन का स्वभाव पूरी तरह से बदल चुका था। चंदन बहुत ही सरल स्वभाव का हो गया था, जो कि नटखट हुआ करता था, अब बहुत ही ज्यादा मैच्योर हो गया था। अपने गांव वालों की बहुत मदद कर रहा था, गांव में मंदिरों का निर्माण कराया, ना जाने किस किस चीजों का, मतलब गांव की बहुत भलाई किया। अब ठीक 4 साल बाद वो दिन आ गया जब चंदन की पत्नी रज्जू हुई प्रेग्नेंट। प्रेग्नेंट हुई ठीक 9 महीने बाद रज्जू की बच्ची हुई, एक बेटी पैदा हुई। बहुत ही खुशी वाला माहौल, सब लोग नाच रहे गा रहे हैं, सेलिब्रेशन कर रहे हैं, ढोलक मंजीरे बज रहे हैं, चंदन भी नाच रहा है, बाऊजी भी नाच रहे हैं, सब मस्ती में गुल है। और फिर अचानक से एंट्री होती है दूसरे चंदन की, जो कि हूबहू चंदन जैसा ही दिखाई दे रहा था। मतलब दोनों एक दूसरे के हमशकल डुप्लीकेट, हाइट, कलर, आवाज, कपड़े पहनने का तरीका तक सब कुछ सेम था। अभी जो चंदन एंटर किया वो अंदर का माहौल देखकर बिल्कुल हैरान हो गया, बोला ये क्या हो रहा है मेरे घर में, और ये कैसे नाच रहा हूँ मैं तो यहाँ खड़ा हूँ तो ये कैसे नाच रहा हूँ मैं, मतलब उसको समझ भी नहीं आया कुछ। अब सब लोग उसको भी देख के हैरान कि चंदन तो हमारे साथ इतने टाइम से नाच रहा है, इतने टाइम से रह रहा है, ये कहाँ से आ गया। तो बोलता है कि ये बहरूपिया है, मतलब जो घर में पहले से है उसको बाहर से आया हुआ चंदन क्या बोलता है कि ये कोई चंदन नहीं है, ये बहरूपिया है, इसको भगाओ। अरे मैं तो विदेश गया हुआ था ना बाऊजी, आपके कहने पे ही अपनी पोटरी खोल के दिखा था, देखो मैंने इतना मुनाफा कमाया हूँ, आपने जितना भी मुझे व्यापार सिखाया उस व्यापार से मैंने इतनी मुद्राएं कमाया हूँ सोने की। पोटरी खोल के सोने की मुद्राएं दिखाने लगता है, हीरे जवाहरात सब दिखाने लगता है। अब सामने खड़ा हुआ जो चंदन था, जो इतने टाइम से उनके साथ रह रहा था भाई, जो कि बोल रहा था कि मैं विदेश तो पहुंचा ही नहीं, मैं बीच रास्ते से लौटा हूं, बोलता है बाऊजी मैं भी तो रोज आपको सुबह 10 सोने की मुद्राएं दे रहा हूं, इतना प्यार कर रहा हूं, गांव वालों की इतनी मदद कर रहा हूं, आपके बताए हुए रास्ते में ही चल रहा हूं, ये कैसे चंदन हो सकता है, असली चंदन मैं हूं। दोनों के बीच में बहसबाजी होती है, पूरा गांव टेंशन में, गांव इकट्ठा था वहां पे, बाऊजी टेंशन में, रिश्तेदार टेंशन में, बोले चल क्या रहा है, असली चंदन कौन है, कैसे समझे। अब बोलते हैं राजा जी के पास जाएंगे। दरअसल राजा जी की सभा में एक मंत्री था जो कि बड़ा ही इंटेलिजेंट था भाई, बहुत इंटेलिजेंट। अब वो लोग ना रेगिस्तान को क्रॉस करके गांव के कुछ लोग जो मेन लोग थे, दोनों चंदनों को लेकर बढ़ चले राजा जी के किंगडम की तरफ। हाँ, क्योंकि वो टाइम पे राजा लोग ही फैसला करते थे अगर हाँ, कुछ ऐसे बात फंस जाए तो। हाँ, ये रेगिस्तान को क्रॉस करने ही वाले थे कि वहां पे मिलता है एक बूढ़ा सा आदमी जो कि चरवाहा था, शायद अपनी गायों को चराने के लिए इतनी दूर वहां पर पहुंचा था, क्योंकि रेगिस्तान में चरने वाली चीजें तो कम ही मिलती, तो बड़ी मुश्किल से वो पहुंचा था और उसकी गाय भी तरबतर हो गई थी। ये टेंशन में था और इसने देखा कि कुछ लोगों की भीड़ आ रही है जो मुझसे भी ज्यादा टेंशन में दिख रही है। उनको रोका, पूछा कि क्या भाई इतनी टेंशन में कहां तेजी से भागे जा रहे हो। तो जो चंदन के बाऊजी थे वो सारी बात बताते हैं, बोलते ऐसा ऐसा मैटर हो गया है, हमें समझ में ही नहीं आ रहा हमारा बेटा कौन है, हमारा बेटा वो जिसकी अभी अभी बेटी पैदा हुई है घर पर, या फिर वो जो कि ये दावा कर रहा है हमारे पहले का सपना पूरा करने के लिए विदेश गया हुआ था, हमारे ही बोलने पर कुछ समझ में नहीं आता है। चरवाहा बोलता है अरे इतनी सी बात, मैं अभी 3 परीक्षा लूंगा, ऐसे चुटकी में पता कर दूंगा कि असली चंदन कौन है। सब लोग इंतजार करने लगते कि हाँ 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 बताओ बताओ, राजा जी के पास नहीं जाना पड़े तो हमारे परिवार की इज्जत बच जाएगी, क्योंकि ये लोग भी बड़े परिवार के लोग थे ना भाई, इज्जत तो खराब होगी इतने लोगों के बीच में। हाँ, तो क्या बोलते हैं वो जो चरवाहा था वो अपनी पोटरी खोलता है, पोटरी में इतने सारे पत्थर, बहुत सारे पत्थर, छोटे 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 वाले पत्थर, बोलता है कि आधे पत्थर तुम चंदन रखो, आधे पत्थर तुम चंदन रखो, दोनों चंदनों को आधे आधे पत्थर दे देता है और बोलता है कि जिसने सबसे पहले गिन लिया वही असली चंदन है, मान जाएंगे। क्यों भाई? क्योंकि बनिया है, गिनती करना तो बहुत अच्छे से आना चाहिए ना।
दोनों चंदन फटफट 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 गिनती करने में लग जाते हैं। अब सबसे पहले गिनती पूरी कौन करता है पता है? वो चंदन जो कि विदेश से लौटा था, जो 5 साल बाद विदेश से लौटा था, वो चंदन सबसे पहले गिनती कर लेता है। और वो वाला चंदन गिनते रहता है, बोलता है कि हाँ मैं समझ गया हूँ क्या है। अभी दूसरी परीक्षा में क्या बोलता है वो, मेरी जो गाय इतनी फैल गई है, इधर उधर तरबतर हो गई है, जिसने सबसे पहले गायों को एक साथ इकट्ठा करके मेरे सामने ला दिया, वो असली चंदन। दूसरी परीक्षा होगी। दोनों तेजी से भागते इकट्ठी करते हैं, तो क्या पाते हैं, सबसे पहले किसने इकट्ठी किया, उस चंदन ने जिसकी अभी अभी बेटी पैदा हुई थी, जो कि पहले से वहां पर रह रहा था, जो कि जंगल में साधु बाबा की मदद करके आया था, वो गायों को इकट्ठा कर देता है। अब टाए, एक ये जीता। अब बोले समझ में नहीं आ रहा है। अब बारी आती है तीसरे नंबर की परीक्षा की। चरवाहा बैठता है, अपनी पोटली से एक बॉटल निकालता है, एक क्लॉथ बॉटल चलती थी पहले के जमाने में, रेगिस्तान में अभी भी यूज करते हैं, फोटो होगी तो हम लोग डाल देंगे। उसका ढक्कन खोलता है, गट 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 पानी पीता है, सब लोग उसका मुंह देख रहे हैं, अरे कर क्या रहा है भाई, ये कौन सी परीक्षा है, इतना पानी पी रहा है। उसका पानी खत्म होता है, बोलता है कि अब बताता हूं, जो भी रज्जो से सबसे ज्यादा प्यार करता होगा वो इस बॉटल में घुस जाएगा, मैं मान जाऊंगा कि वही असली चंदन है। बस जैसे ये बात सुनता है, जो विदेश से चंदन आया था, बोलता अरे क्या बेवकूफी चल रही है यहाँ पे, इतनी सी बॉटल में इतने बड़े शरीर के इंसान कैसे घुस सकते हैं, पॉसिबल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, बिल्कुल। लॉजिक वाली बात तो करो, लॉजिक वाली परीक्षा तो लेके देखो। ऐसा कहता है, सुनाता है, जोर जोर से चीखता और रोना शुरू कर देता है, जोर जोर से रो रहा है, सबका ध्यान इसकी तरफ। इधर दूसरा वाला चंदन इतना सा रूप धारण किया और मानो कि गोली की स्पीड में उड़ा और फटाक से बॉटल के अंदर। जैसे ही वो बॉटल के अंदर घुसा, चरवाहे ने बॉटल का ढक्कन बंद किया और पूरा अच्छे से मस्त पैक किया। जैसे ये नजारा सब लोगों ने देखे, हक्के बक्के रह गए, अभी इसकी तो बेटी पैदा हुई, अभी ये इतने टाइम से हमारे घर पर रह रहा था, गांव वालों की इतनी भलाई किया था, ये भूत था क्या? भूत था, तभी तो वो ऐसे घुस गया बॉटल के अंदर, कोई नॉर्मल इंसान कैसे घुस सकता है। कहानी यहाँ पर खत्म नहीं हुई है, आगे सुनो। अब जैसे भी होता है भाई, जो असली चंदन था, जो विदेश से लौटा था, वो खुश होता है, सब लोग खुशी मनाते हैं, अपने बेटे से बाबूजी प्यार करते हैं, बोलते चलो घर जाएंगे। अब सब अपने अपने घर, ये लोग भी अपनी हवेली में, जो भी रिश्तेदार गए थे सब अपने अपने कमरे में, चंदन अपने कमरे में जैसे ही एंटर करता है तो क्या पाता है, रज्जो फूट फूट कर रो रही है। चंदन बोलता है भाई रो क्यों रही हो, क्यों रो रही हो, मैं तो वापस आ गया हूँ। अब रज्जो क्या बताती है, मुझे पता था जितने टाइम से मेरे साथ रह रहा था वो भूत है, उसने मुझे सब कुछ बताया था, मैं उसे प्यार करने लगी थी, इसलिए मुझे बहुत रोना आ रहा है। आप कहाँ, आप तो शादी के अगले दिन निकल पड़े थे, और जो बच्चे है वो भी भूत की ही है, वो बच्ची भूत की है, आप कहाँ से आ गए, मैं आपसे प्यार ही नहीं करती। अब वो क्या बोलता है पता है, क्या जवाब देता है, जवाब में खाली एक चीज बोलता है, बोलता है चलो इतनी दुखी हो रही हो, एक बात बताओ, कहीं तुमने और उस भूत ने ये डिसाइड तो नहीं किए थे कि तुम्हारी बेटी जब बड़ी होगी से पढ़ाई करने के लिए विदेश भेजोगे। जैसे ये बात रज्जो सुनती है, हक्की बक्की रह जाती है, उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि ये वो बात थी जो रज्जो ने और उसके पति भूत ने अकेले में किए थे। भूत ने और रज्जो ने बिल्कुल अकेले में वाली बात किए थे, तो ये बात असली चंदन को कैसे पता चली। वो हैरान बोलती है आपको कैसे पता, ये बात तो सिर्फ मुझे और भूत को पता है, आप तो थे ही नहीं, आप तो विदेश में थे उस टाइम। अब चंदन क्या बोलता है, अरे भाई मैं पिछले हजारों सालों से इस दुनिया में भटक रहा था, मुझे तुमसे इतना प्यार हुआ, मुझे कभी कैद कोई नहीं कर पाया, एक चरवाहा एक बॉटल में मुझे कैद कर पाएगा। अब उसने पूरा मैटर बताया, उसने बताया कि जब चरवाहा ने मुझे कैद किया तो फटाक से वहां से बाहर निकल गया और तुम्हारे पति चंदन के शरीर में प्रवेश कर लिया। बस अब जब तक ये शरीर रहेगा तब तक हम दोनों का प्यार जिंदा रहेगा, और ये बात कभी किसी को पता नहीं चलेगी कि मैं कैद होने के बावजूद भी तुम्हारे साथ ही हमेशा हमेशा के लिए
रहने लगूंगा, लेकिन उस बॉटल में नहीं, तुम्हारे पति के ही शरीर में। मतलब एक भूत और एक लड़के की ये सच्ची भूतिया जो भी कहानी थी, ये 200 साल पुरानी थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी कि मतलब कैसे एक भूत एक लड़के से प्यार कर रहा है, उसका बच्चा भी हुआ, उसके बाद उसके साथ पूरी जिंदगी बिताई उस लड़की ने। बस जैसी लड़की ने रज्जू ने बात सुनी, खुशी से झूम उठी भाई, और आने वाले कईयों साल तक, यानी लगभग यही कोई 52 सालों तक दोनों का प्यार अमर रहा, और शायद मरने के बाद भी रहा हो। ये पूरी की पूरी कहानी, पूरी की पूरी कहानी मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह से मिली है। आप लोग गैस कर सकते हैं? कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, हमें आपका इंतजार रहेगा, देखते हैं कौन कौन बता पाता है सही में। अब तक इस वीडियो को देखे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे और मनोरंजन वाले वीडियो डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टा की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी भाई, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और आप लोगों के पास भी कुछ इसी तरह की कहानी या टॉपिक हो तो लिख भेजिए, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों की कहानी या टॉपिक के साथ ही बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।